सो हे गाइस, यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ डोसा और चटनी। तो चटनी मैं यहाँ पे बनाऊँगी नारियल के, सूखे नारियल, क्योंकि यहाँ पे अभी पानी वाला नारियल नहीं है, तो मैंने सूखे नारियल को भिगो के रख दिया है। और सूखे नारियल की चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आलू आलू को छील लें, क्योंकि मसाला डोसा बनाने वाली हूँ। और रेसू से मैं बातें भी करती जा रही हूँ साथ में। रेशु बाबू को लेके खड़ी है, जो कि बातें कर रही है। और यहाँ पे ये देखो, मैंने बाबू को ले लिया, तो रेशु भी इसके लिए थी, तो बाबू बार बार लेके गिरा रहे थे। बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं चाची के साथ, तो फिर दोनों ही बहुत शैतान है। दोनों लोग चाची के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और ये देखो, बाबू को ले लेके बार बार हाथ से मार मार के गिरा रहे, और चाची उठा रही, उसको अच्छा लग रहा है इसे खेलने में। वहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, और बाबू बाबू को सब रेशु को दे दिया मैंने। और रेशु में साथ ही साथ बता दी जा रही हूँ कि चटनी कैसे बनेगी नारियल की। और यहाँ पे सारा काम करते करते आदमी को चोट भी लग गई, वो भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। और सारा चीज़ें ऐसे मैं सेट कर रही थी, और रेशु को इसलिए बता रही थी क्योंकि उसने ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग से वो बाहर रह के जॉब की है, तो फिर वही हैबिट हो गई उसकी, और बनाती रहेगी तो उसको भी आ जाएगा। और मैं सारा सामान सेट कर रहा हूँ किचन का, क्योंकि मुझे मैसी किचन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। किचन साफ़ सुथरा रहता है तभी मुझे अच्छा लगता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा वीडियो बना के डालूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी देखो। और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ चटनी में, जो कि चटनी बॉयल हो गया है। इसी तरीके से मैं बातें भी करती जा रही हूँ और बनाती भी जा रही हूँ। ऐसे अच्छा लगता है, दो लोग होते हैं तो ऐसे तो मैं अकेली पड़ जाती, लेकिन अब तो रेशु है तो फिर अच्छा लगता है। और ये देखो, आदमी को देखो कैसे हाथ भी रो रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा से चोट लगी, जो कि खुद से लगी है, गेट से लड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, लेकिन कह रहे मम्मा से लगी, तो वही इन्होंने लगाया। इन्होंने बोला चलो ठीक है, अच्छा अब ठीक हो जाएगा, वही रो रहा है। और यहाँ पे मैं रेशु को डोसा बनाना सी बता रही हूँ, बना ले रही थी, अच्छा बना रही थी। और इसी तरीके से हम लोगों का काम तो चलता ही रहेगा गाइस, और आप लोग वीडियो को देखना, एंजॉय करना गाइस। अब आप लोगों को मेरे साथ मेरी देवरानी भी देखने को मिलेंगी, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर।